पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने शनिवार को भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस मौके पर उन्होंने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कार प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन इन गूंगे बहरों ने लगता है सुन लिया, खाओ और खाने दो। कर्नाटक में 40% कमीशन की बात की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में 80% है। दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे कैलाश जोशी के बेटे हैं। उनके साथ शनिवार को दतिया जिले से विधायक रहे राधेलाल बघेल भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। दीपक जोशी ने कहा, जनसंघ के चुनाव चिन्ह दीपक को बीजेपी ने अपनी विचारधारा के साथ कहीं ना कहीं विलोपित कर दिया, इसलिए आज मैं कांग्रेस के साथ हूँ। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव से मुलाकात के सवाल पर बोले, मैंने कल शाम 5 से 7 बजे तक 2 घंटे और रास्ता देखा, लेकिन मुझे कोई निराकरण नहीं मिला। मेरी विरासत ईमानदारी की है, उस पर मैं चलूँगा और निरंतर रहूँगा। शिवराज जी भले छोटा भाई मानते हो, लेकिन वे मेरे बड़े भाई कभी नहीं हैं। बहुत बदल गए हैं, उनको जिस प्रकार का काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जोशी ने कहा, आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। नेताओं की स्थिति यह है कि कार्यकर्ता उनसे मिल नहीं सकते। आज पार्टी को एक हाईटेक पार्टी के साथ एक ऐसी पार्टी का लेवल दे दिया जिसमें सामान्य कार्यकर्ता उन तक पहुंच नहीं सकता। कमलनाथ ने कहा, दीपक जोशी ने मुझसे कहा कि मैं कोई टिकट नहीं चाहता। मुझे बहुत ताजुब हुआ, जोशी जैसे सच्चाई के साथ देने वाले और लोगों को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।